सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस भाव सत्संग में मैं श्रीमती शिप्रा जुवेकर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम हम जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण, वास्तु देवता, स्थान देवता, इनके श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आज का यह भाव सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी इस सत्संग में उपस्थित ही हैं। हम उनके चरणों में श्लोक वंदन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। कल के सत्संग में हमने जाना था कि भाव बढ़ाने में मनोलय करने का क्या महत्व है। मनोलय इस शब्द का अर्थ भी हमने समझ लिया था। मनोलय अर्थात अपने मन को नष्ट कर भगवान की इच्छा से वर्तन करना। प्रत्येक प्रसंग में भगवान को क्या अच्छा लगता है, भगवान को क्या अपेक्षित है, उसे समझकर, उसे स्वीकार करके उसमें आनंद में रहना। मनोलय करने का पहला चरण है दूसरों का सुनना। स्वयं की इच्छाएं, स्वयं का मत ये नष्ट करके परीक्षा को महत्व देना। अन्यों की इच्छा से वर्तन करना। परीक्षा अर्थात अन्यों की इच्छा से जब हम चलते हैं तो धीरे धीरे हमारा अहम कम होने लगता है। जब हमारा अहम कम होता है तब हम दूसरों का विचार अधिक कर पाते हैं। जब हम स्वयं से ज़्यादा दूसरों की इच्छाओं को अधिक महत्व देते हैं तो हम उन्हें आनंद देते हैं और हम भी आनंद में रहते हैं। यदि हम अपने साथ में जितने भी लोग हैं उन सब में ईश्वर ही हैं ऐसे भाव बढ़ाएंगे तो परीक्षा से वर्तन करना हमारे लिए बहुत सरल होगा। जब हम संतों और गुरु के कहे अनुसार आचरण करते हैं तभी हम ईश्वर इच्छा से चल पाते हैं। साथ ही हमने सत्संग में जाना था कि आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन से हमारा मन, हमारी बुद्धि सात्विक होती है और हमारी ईश्वर प्राप्ति की लगन बढ़ने लगती है। इन सब सूत्रों के ऊपर आपने अवश्य ही प्रयास शुरू किए होंगे। आज हम देखेंगे कि हमारे जीवन में लगन बढ़ाने का क्या महत्व है, लगन से और भावपूर्ण नाम जप करने के लिए हम क्या प्रयास करें। आगे का विषय सुनने से पूर्व हम सभी भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में शरण जाकर प्रार्थना करेंगे। हे सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण जी, आपकी कृपा से हमें भाव सत्संग के माध्यम से कर्तापन कैसे नष्ट होगा, अहम कैसे नष्ट होगा और आपकी कृपा कैसे मिलेगी ये सीखने को मिल रहा है। हे श्री कृष्ण, हमें स्वेच्छा से बढ़कर परेच्छा और ईश्वर इच्छा में आप ही रहना सिखाएं। आज के सत्संग में जो भी सूत्र आप बताएंगे वो हमारे अंतःकरण तक जाए और आपके चरणों में आने की हमारी लगन बढ़े, यही आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अब हम श्लोक अर्पण करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। साधना में, स्वयं में भाव बढ़ाने के लिए लगन से, तड़प से प्रयास करने की आवश्यकता बहुत होती है, क्योंकि हम में भाव होगा तो हमें भगवान की कृपा मिल सकती है। हम बार बार सत्संगों में जानते हैं कि जहाँ भाव है वहीं भगवान की कृपा रहती है। ईश्वर प्राप्ति की, ईश्वर भक्ति की तीव्र लगन और भाव के कारण ही ईश्वर अपने भक्तों की कैसे सदैव रक्षा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, इस संदर्भ में आइए हम सर्वप्रथम एक भावपूर्ण कथा सुनेंगे। एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। वे भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। एक छोटी सी झोपड़ी में उसका पूरा संसार था। कृष्णाबाई जी का वास्तविक नाम तो सुखिया था, परंतु श्री कृष्ण जी की भक्ति वे इतनी करती थी कि गांव वालों ने उनका नाम कृष्णाबाई रख दिया। घर घर में झाड़ू पोछा करना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना, ऐसे कामों को करके वे अपनी जीविका चलाती थी। कृष्णाबाई हर दिन फूलों की सुंदर माला बनाकर भगवान श्री कृष्ण जी को दोनों समय पहनाती थी और घंटों घंटों अपने कान्हा से बातें किया करती थी। गांव के लोग उनकी भक्ति समझ नहीं पाते थे और वे सोचते थे ये बूढ़ी तो पागल ही हो गई है, अपने आप से कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णाबाई जी से ये कहा, उन्हें संदेश दिया कि कल गांव पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, बहुत बड़ा भूचाल आएगा, तो तुम ये गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। फिर क्या था, प्रभु जी का तो आदेश ही हो गया, इसलिए कृष्णाबाई ने अपना सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सुबह होते ही उन्होंने गाँव वालों को भी बताया कि कल सपने में कान्हा आए थे और कहने लगे बहुत प्रलय होगा, पास के गांव में चली जा। अब लोग कहाँ सुनने वाले थे, उनके लिए तो वो एक केवल बूढ़ी पागल महिला ही थी, अब जो सुनता वो हंसने लगता। परंतु कृष्णाबाई जी पर लोगों की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने एक बैलगाड़ी मंगाई और अपनी कान्हा की मूर्ति लेकर सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। लोग उसकी मूर्खता पर हंसे ही जा रहे थे। कृष्णाबाई गांव से बाहर जाने लगी। बिल्कुल गांव की सीमा पार होने ही वाली थी और अगले गांव में वे प्रवेश ही करने वाले थे, तभी कृष्णाबाई जी को श्री कृष्ण जी की आवाज़ सुनाई दी। वो उनसे कहने लगे अरे कृष्णा, जा अपनी झोपड़ी में से वो सुई तो ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे रोज़ पहनाती है। ये सुनकर कृष्णाबाई बेचैन हो गई, व्यथित हो गई कि अरे मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊँगी। उन्होंने गाड़ी को वहीं रोका और भागते भागते अपने झोपड़ी की ओर गई। गांव वाले उसके पागलपन को देखकर बहुत मजाक बनाने लगे। कृष्णाबाई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी सुई निकाली और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आ गई। बैलगाड़ी वाले ने कहा अरे माई, तू क्यों परेशान है, कुछ तो होने नहीं वाला है, क्यों व्यर्थ की भागदौड़ कर रही है।
परंतु भगवान श्री कृष्ण जी पर दृढ़ श्रद्धा रखने वाली कृष्णाबाई ने उसकी बातों की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया और उसने कहा कि भैया तुम तो मुझे गांव की सीमा पार करा दो। गाड़ी वाले ने ठीक वैसे ही किया, परंतु अरे ये क्या हुआ, जैसे ही बैलगाड़ी दूसरे गांव में पहुंच गई और उस गांव की सीमा को पार किया, वैसे ही कृष्णाबाई जी का पहले वाला गांव पूरी तरह ध्वस्त हो गया, जलमग्न हो गया, सब कुछ पानी में बह गया। बैलगाड़ी वाला भी भगवान श्री कृष्ण जी का भक्त ही था, इसलिए भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वे भक्त की रक्षा के लिए कितने चिंतित होते होंगे, ये हमें सोचना होगा। जब तक भक्त की एक सुई उस गांव में थी तब तक गांव पूरा बचा था। देखिए अपने भक्त के लिए भगवान क्या क्या करते हैं। जिनकी ईश्वर पर अगाध श्रद्धा रहती है तो वे दुनिया की दृष्टि से पागल ही रहते हैं, दुनिया वाले उन्हें पागल समझते हैं। भगवान के विचारों में, भगवान के स्मरण में पागल हो जाना ही तो भक्ति कहलाती है। जिसके मन में भगवान के प्रति पागलपन नहीं रहता और वो चालाकी से, होशियारी से, बुद्धि से कार्य करता है तो वो तो भक्त नहीं होता। जिनका अपने भगवान के प्रति बहुत ही भाव रहता है वो समाज की दृष्टि से पागल जैसे ही रहते हैं। अब उन वृद्ध माँ को ही देख लीजिए, उनकी भक्ति कितनी थी, उनका भाव कितना था, भगवान के प्रति तड़प कितनी थी कि लोग कितना भी हंसने दो, लोग उनका कितना भी मजाक बनाने दो, फिर भी उन पर उन बातों का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं था। उन्हें तो मेरे कान्हा ने क्या कहा है उसी पर ध्यान रहता था। उन्हीं वृद्धा माई के जैसे ही साधना करने वाले मनुष्य भी होते हैं जिनके ऊपर गुरु की, ईश्वर की कृपा दृष्टि है और वे अपने गुरु की, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तब लोग क्या बोलते हैं, कौन क्या कहता है, इसके ऊपर भक्त का तो ध्यान रहता ही नहीं। लेकिन ऐसा भक्त बनने से पूर्व हमें पहले तो साधना ही करनी चाहिए। साधना अर्थात तन मन धन का त्याग करते हैं, ईश्वरी कार्य के लिए कुछ तो अर्पण करते हैं, अध्यात्म प्रसार करते हैं। ऐसा करेंगे और गुरु की कृपा ना हो ऐसा तो संभव ही नहीं है। गुरु की कृपा तो होती ही है, अपने आप बदलाव होता है। गुरु की कृपा से हमारी लगन बढ़ती है, लेकिन उसके लिए भी पहले हमें तड़प से साधना के प्रयास करने चाहिए। साधना करने वालों की भगवान किस प्रकार हर क्षण रक्षा करते हैं ये समझने के लिए आइए हम अब और एक उदाहरण देख लेते हैं। एक साधिका अपने रिश्तेदारों के साथ बाहर के एक कार्यक्रम में गई थी। वहाँ वे अन्य रिश्तेदारों के साथ हॉल में एक स्थान पर बैठी थी। तभी उन साधिका की बेटी वहाँ आई और वो अपनी माँ से कहने लगी कि माँ तुम बड़ी देर से इनके साथ बैठी हो, अब तुम मेरे साथ ही बैठोगी। ऐसा कहकर हट करके उस बेटी ने अपनी जो साधिका माँ थी उनको दूसरी ओर वो ले गई और अपने साथ दूसरी जगह बिठा लिया। जैसे ही वो साधिका उस टेबल से दूसरी ओर गई वैसे ही बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई और वहाँ देखा तो ठीक जहाँ साधिका बैठी हुई थी वहाँ पर उस हॉल के
छत की जो दीवार थी, सीलिंग थी, वो पूरी गिर गई और वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे उन्हें बहुत गंभीर चोटें आईं। कुछ के तो सिर ही फूट गए। यदि वे साधिका वहीं बैठी रहती तो निश्चित उन्हें भी गंभीर चोटें आती। इस प्रसंग से हमें ध्यान में आता है कि हम चाहे जहाँ हों, चाहे जिस स्थिति में हों, भगवान का ध्यान हमारी ओर 24 घंटे रहता ही है। तो भगवान किसी न किसी के रूप में आकर हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि भगवान ही हैं जिन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है। जो भगवान के चिंतन में रहते हैं, साधना करते हैं, तो भगवान भी उनका उतना ही ख्याल रखते हैं। तो इसके लिए हमें भी अपनी साधना बढ़ानी है, अपने जीवन में भगवान जी के लिए समय देना है, तब जाकर भगवान की कृपा हमें अधिक मात्रा में मिल सकती है। अब भगवान की कृपा तो पानी है, साधना भी करनी है, तो मुख्य जो घटक है साधना का वो है स्वयं में भगवान को पाने की लगन होनी चाहिए। तो भगवान को पाने की लगन किस प्रकार हो, लगन कैसे होती है, लगन के उदाहरण क्या हैं, वो अब हम संतों के दोहे से जानेंगे। आइए हम कुछ संत कबीर जी के दोहे देखते हैं। संत कबीर जी कहते हैं, लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोंच जेरी जाए, मीठा कहाँ अंगार में जाही चकोर चबाए। इसका अर्थ है, जैसे चकोर नामक पक्षी की चंद्रमा के प्रति इतनी लगन है कि जब वो अंगारों को भी देखता है तो उसे लगता है कि चंद्रमा के छोटे छोटे जो टूटे हुए टुकड़े हैं वे बिखरे हुए हैं और उनको वो चोंच में पकड़ लेता है, परंतु अंगार ये मीठे कहाँ लगेंगे, ये तो जलते रहते हैं। तो इस पागलपन में उस पक्षी की चोंच भी जल जाती है, जीभ भी जल जाती है, फिर भी उसको इस बात की परवाह नहीं रहती, वो तो चंद्रमा को पा लेने की लगन में ही व्यस्त रहता है। तो ऐसे ही परमात्मा की राह पर चलना, उनको पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे हम परमात्मा की कल्पना करे बैठे हैं वे वैसे तो बिल्कुल नहीं हैं। दुनिया की दृष्टि से देखा जाए तो लोगों को भगवान का स्वाद बड़ा फीका लगता है, यानी भगवान में इतना रस नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने इस अमृत को चखा ही नहीं है। परंतु एक भक्त को ही भगवान की पहचान होती है, उन्हें भगवान में जो अमृत है उसकी मिठास का अनुभव हो सकता है। परंतु ये अमृत पाना तो सरल नहीं है, ये भक्तों को अच्छी तरह पता है। तो चाहे भगवान को प्राप्त करने के लिए लाखों हानि हो जाए, कितना भी अड़चन आए, फिर भी जो सच्चा भक्त है वो परमात्मा के लिए अपने प्राणों को भी अर्पण करने में ज़रा भी झिझकता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि भगवान ही एकमात्र शाश्वत हैं, सत्य हैं। उन्हें पाने के लिए मुझसे कुछ भी छूटा तो वह तो माया ही है, असत्य ही है। इसके लिए मुझे तो भगवान को ही पाना है, ऐसे उसकी लगन रहती है। तो जब हम भी भगवान के प्रति ऐसी लगन से प्रयास करेंगे तो भगवान की कृपा हम पर अवश्य हो जाएगी। साधना में शीघ्र उन्नति के लिए लगन और भाव, ये दो घटक बहुत आवश्यक हैं। आध्यात्मिक उन्नति जीव की तीव्र इच्छा अर्थात लगन इस पर निर्भर है। इसी को तीव्र मुमुक्षुत्व कहते हैं। मोक्ष प्राप्ति तक अर्थात जब तक हमारा आध्यात्मिक स्तर 100% नहीं हो जाता, तब तक हमारे अंदर लगन का होना बहुत आवश्यक है। हमारी लगन से अर्थात ईश्वर को पाने की तड़प से
हमारा आध्यात्मिक स्तर, हमारी साधना बढ़ जाती है और आध्यात्मिक स्तर 70% तक बढ़ सकता है। अर्थात संत भी हम बन सकते हैं, किंतु यदि हम में तड़प ही कम हो तो आध्यात्मिक स्तर भी कम रहता है, और यदि अहम हो तो भी हमारी साधना में हानि होती है। इसलिए सत्संगों में बार बार हम देख रहे हैं कि कैसे हमें अहम दूर करना है, दोषों पर मात करनी है और साथ ही साथ भगवान के प्रति भाव बढ़ाना है। अब हम देख रहे हैं कि हमें लगन भी किस प्रकार बढ़ानी चाहिए, साधना में आने वाली बाधाओं पर विजय पाकर आगे जाने के लिए जिस बात की अत्यंत आवश्यकता है वो है भाव। भाव हो तो अहम भी घटने लगता है। भगवान के प्रति लगन होने से व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर बढ़ने लगता है, जबकि भाव के कारण उसकी तड़प और बढ़ती है। एक भक्त में ईश्वर के प्रति लगन और भाव की पराकाष्ठा कैसे होती है, यह हम संत कबीरदास जी के दोहों में अब हम जान कर लेते हैं। अपने प्रभु के विरह में व्यक्ति की गई व्यथा के माध्यम से हम ये भाव सीखेंगे कि जब कोई भक्त प्रभु के स्मरण में व्यथित होकर उन्हें ही ढूंढता रहता है तो उसकी अवस्था कैसे होती है। संत कबीरदास जी कहते हैं, नैना नीझर लाइया रहट रहट बहे निसजाम, पपिहा ज्यों प्यू प्यू करो कबरु मिलुहु गे राम। इसका अर्थ है कि मेरे नेत्रों से आंसू निरंतर गति से बह जा रहे हैं और हे भगवान, तुम्हें पाने की प्यास में हमेशा पपीहे पक्षी की भांति मैं तुम्हारा ही नाम रटता रहता हूँ। हे राम, तुम मुझे कब मिलोगे। इस प्रकार संत कबीरदास जी भगवान राम जी के लिए तड़प रहे हैं। वे आगे कहते हैं, परबती परबती मैं फिरिया नैन गवाए रोई, सो बूटी पाऊं नहीं जाते जीवनी होई। इसका अर्थ है, मैंने पर्वत पर्वत छान मारा और नेत्र प्रभु के वियोग में रो रो कर नष्ट हो गए, परंतु कहीं भी वो संजीवनी बूटी अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा है जिससे जीवन सफल हो सके। अर्थात उन्हें लगता है कि भगवान कब मिलेंगे, भगवान के स्मरण में ही उन्हें रोना आता है, भगवान के विरह में इस तरह वो व्यथित हो होकर भगवान को पुकारते हैं। वे आगे कहते हैं, अंचड़िया प्रेम कसाइयाँ लोग जाने दुखड़ियाँ, साईं अपने कारणे रोई रोई रतड़िया। इसका अर्थ है कि परमात्मा की राह देखते देखते अब तो आँखों में अंधेरा सा छाने लगा है, इस जिह्वा पर श्री राम को पुकारते पुकारते भले ही छाले पड़ जाएं, लेकिन फिर भी जब तक मेरा मिलन परमात्मा से नहीं होगा तब तक मैं तो प्रभु को ऐसे ही पुकारता रहूँगा, चाहे मेरे अंग अंग दुखने ही क्यों ना लगें। संत कबीरदास जी को लगता है कि भगवान की प्राप्ति किसी भी परिस्थिति में होनी ही चाहिए। वे तो सतत भगवान के ही स्मरण में रहते हैं, भगवान को ही पुकारते रहते हैं। कैसा भाव है ना भगवान के प्रति। संत कबीरदास जी ने हमें इस दोहे के माध्यम से प्रभु का स्मरण किस प्रकार करना है वो सिखाया है। वो आगे कहते हैं, बीरह जलाई मैं जलों जलती जल हरि जाऊं, मो देख्यो जल हरि जले संतों कहाँ बुझाऊं। मैं परमात्मा के विरह में जल रहा हूँ और इस जलन को बुझाने के लिए मैं ऐसे स्थान पर गया जहाँ जल ही जल था,
अर्थात मैं परमात्मा के विरह में तड़प रहा हूँ। परमात्मा को पाने के लिए मैं अनेक जगह गया। संत कबीर दास जी कहते हैं कि मैं प्रभु के मिलन की आस में इतना व्यथित हो रहा हूँ कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ ये व्यथा को कम करने के लिए प्रयास करता हूँ। वो संतों से पूछ रहे हैं कि परमात्मा से मिलने की इस तड़प को मैं कैसे शांत करूँ, मैं क्या करूँ कि भगवान के मुझे दर्शन हो जाएं। संत कबीर दास जी आगे कहते हैं, हृदय भीतरी दौ बले धुआ न प्रगट होई, जाके लागी सो लखे कैज ही लाई सोई। इसका अर्थ है कि परमात्मा से मिलने की प्यास अर्थात विरह की आग मेरे हृदय में तो जल रही है, परंतु ये आग ऐसी है कि इसका धुआं तक बाहर नहीं आता। बाहर के लोग समझ नहीं पाते कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, कैसे मैं भगवान के लिए व्यथित हूँ। इस अग्नि का तो उसे ही ज्ञान होगा जिसको ईश्वर प्राप्ति की लगन है, अर्थात जिसके हृदय में भी भगवान के विरह की ये अग्नि जल रही है, अथवा उसे ज्ञात होगा जिसने ये अग्नि लगाई है, अर्थात उस परमात्मा को ही मेरे हृदय की व्यथा ज्ञात हो सकती है। आगे के दोहे में कबीर दास जी हमें बताते हैं कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई, बूंद समाणी समंदर में सोकत हेरी जाई। यहाँ वे कह रहे हैं, हे सखी, अपने आत्मस्वरूप को खोजते खोजते कबीर स्वयं ही खो गए हैं, जैसे जो पाने की बूंद समुद्र में मिल गई हो, जिसका अब कोई अलग से अस्तित्व ही नहीं रहा। तो वो पाने की बूंद को भला हम समुद्र में कैसे खोजेंगे। वैसे ही मैं भगवान को पाने की इस लगन में ऐसा खो गया हूँ कि मैं बस भगवान का ही हो गया हूँ। आगे संत कबीर दास जी हमें बताते हैं, यहू तन जालो मसी करो लिखो राम का नाऊ, लेखनी करूँ करंक की लिखी लिखी राम पठाऊँ। यहाँ पर संत कबीर दास जी कहते हैं, मैं इस तन को जलाकर स्याही बना लूँ और जो कंकाल अर्थात हड्डियाँ रह जाए उसकी लेखनी तैयार कर लूँ और उससे भगवान के प्रेम की चिट्ठी लिख लिख कर अपने प्यारे प्रभु राम को भेजता रहूँ। अर्थात हर समय भगवान को ही याद करना, हर समय केवल एक ही ध्यास लगना कि कैसे प्रभु मिलेंगे, प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी। जब हमें किसी की याद आती है तब हम उसे संदेश भेजते हैं, तो वैसे ही संत कबीर दास जी को लगता है कि मुझे इतनी प्रभु की याद आ रही है कि प्रभु के लिए चिट्ठी लिखूं तो कैसे लिखूं। तो इस प्रकार अपने तन की स्याही बनाकर, अपने कंकाल की पेन लेखनी बनाकर मैं भगवान को चिट्ठी लिखूं, ऐसे उच्च स्तर का भाव वे हमें सिखा रहे हैं। संत कबीर दास जी कहते हैं, इस तन का दीवा करो बाती मेलियूं जीव, लोही सींची तेल ज्यूं कब मुख देखो पीव। कबीर दास जी ये कह रहे हैं कि मेरी ऐसी तीव्र इच्छा है कि इस तन का मैं दिया बना लूं और जिसमें जो बत्ती है बाती है वो प्राणों की हो, तेल की जगह मेरे रक्त का एक एक बूंद तिल तिल करके जलता रहे। और कितना अच्छा हो कि यदि इस दिए में मेरे प्रियतम प्रभु श्री राम जी का मुखड़ा कभी दिखाई दे जाए। अर्थात संत कबीर दास जी को भगवान के प्रति ऐसी लगन है कि वे कहते हैं कि भगवान के दर्शन करने के लिए मैं क्या करूं? क्या मैं ऐसा करूं कि मेरा पूरा शरीर ही
एक दिए के भांति बन जाए, जिसमें मेरे प्राणों की बाती हो और तेल की जगह मेरा ही रक्त हो, तो कितना अच्छा होगा यदि मैं इस दिए से भगवान के दर्शन कर पाऊँ। तो जिसे भगवान के दर्शन की, भगवान की प्राप्ति की इतनी लगन होगी, तो क्या भगवान उन्हें नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। तो हम सबको ज्ञात ही है कि संत कबीर जी कितने उच्च कोटि के संत होकर गए। उनकी लगन किस प्रकार थी, वो अब हम यहाँ देख रहे हैं। आगे संत कबीरदास जी कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। यहाँ पर संत कबीरदास जी ने सबको सीखने वाली बात कही है। वे कहते हैं कि वैसे देखें तो सारा संसार तो सुखी दिख रहा है, सब अपने अपने में मस्त हैं, सब खूब खाते हैं, पीते हैं, खूब सोते हैं। अब मैं ही तो दुखिया हूँ, कबीर दास ही वो दुखी है जो आठों पहर जागता है और बस रोता ही रहता है। यहाँ पर वे ये कहना चाह रहे हैं, हमें ये सीखना है कि यहाँ पर संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं यदि जाग रहा हूँ, रो रहा हूँ, तो ये किस लिए? तो मेरे प्रभु के लिए। परंतु जो मनुष्य खाने पीने में व्यस्त है, सोने में व्यस्त है, तो उनका जीवन किस काम का है? सच्चा जीवन तो वही है जो प्रभु का नाम ले, प्रभु के काम आए। इसलिए संत कबीरदास जी हमें सिखाना चाहते हैं कि हम यदि भगवान के स्मरण में रोएंगे तो वही सच्चा आनंद है। संत कबीरदास जी श्री राम जी को पाने के लिए अखंड नाम जप करते हैं, और वह जप इतने भाव से करते हैं कि सतत उनकी आँखों से आंसू ही गिरता रहता है। हमें भी ईश्वर के प्रति तड़प बढ़ाने के लिए कम से कम एक घंटा तो नाम जप करना चाहिए। समय का अभाव हो तो ऐसा करें कि सुबह आधा घंटा आप नाम जप कर सकते हैं, रात को आधा घंटा कर सकते हैं, परंतु इतना तो भगवान के लिए हमें अवश्य करना है। कबीरदास जी कहते हैं कि राम का नाम पुकारते पुकारते मेरी जीभ में छाले भी पड़ गए, तब भी जब तक राम नहीं मिलते मैं राम का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। हम उनकी भगवान के नाम के प्रति भक्ति कितनी है, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर हमें भी नाम के प्रति तड़प बढ़ाने के लिए अपने स्तर पर जितना संभव हो उतना तो अवश्य करना चाहिए। नाम साधना ऐसी साधना है जिसको कोई बंधन नहीं है। हम उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते हुए, जहाँ भी हों, जिस भी स्थिति में हों, भगवान का नाम तो ले सकते हैं। तो हमने भगवान के नाम के विषय में पहले भी सत्संगों में देखा है, तो हमें बार बार नाम जप का ध्यान आना चाहिए। शुरुआत में थोड़ा कठिन होता है, हमें याद नहीं रहता, परंतु हमें बार बार भगवान का नाम याद आए उसके लिए हम कुछ कृति करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम कृति के स्तर पर क्या प्रयास करें। पहला प्रयास है कि हम अपने घर में जहाँ हमारा ध्यान अधिक जाता है वहाँ भगवान के नाम जप की पट्टियाँ लगा सकते हैं। तो नाम जप की पट्टियाँ लगाने का शास्त्र क्या है कि हमारी आँखें जहाँ भी जाती हैं उस वस्तु को ध्यान से देखती है। हम कहीं भी कुछ लिखा हुआ है उसकी ओर हमारा यदि ध्यान गया, दृष्टि गई, तो हम उसे पढ़ लेते हैं। यदि हमारी आँखों के सामने भगवान का नाम की पट्टी होगी, उस पर लिखा होगा श्री कुलदेवताय नमः अथवा श्री गुरुदेव दत्त अथवा कोई और भी देवता का नाम,
तो हम अनजाने में ही वो नाम पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा भगवान का नाम स्मरण हो जाता है। केवल हमारा नहीं, तो हमारे घर में रहने वाले जितने भी परिवार के सदस्य हैं वे भी नाम जप की पट्टियों के माध्यम से नाम जप करने लग जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि हमें भगवान के नाम का स्मरण रहे, इसके लिए हम घर में नाम जप की पट्टियाँ लगा सकते हैं। दूसरा प्रयास कर सकते हैं कि नाम जप का हमें बार बार स्मरण हो, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल पर अलार्म लगा सकते हैं। तो जैसे हम कुछ महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हों, हमें लगता है कि हम भूल सकते हैं, तो हम रिमाइंडर लगाते हैं। तो नाम जप भी हमारी जीवन नैया को पार करने वाला महत्वपूर्ण साधन है, तो हमें उसका स्मरण हो इसलिए हम भी मोबाइल पर रिमाइंडर लगा सकते हैं। आप 10-10 मिनट का लगा सकते हैं, 5-5 मिनट का, 15-15 मिनट का, जैसा भी आपको उचित लगे। तीसरा प्रयास है कि जब भी हमें समय मिले, घर पर मिले या कार्यालय में हम हों, कहीं भी हों, दुकान में हों, तो हम अपने साथ एक छोटी सी डायरी रखें और उसमें भगवान का नाम जब ऐसे हम लिख सकते हैं। भगवान का नाम लिखने से न केवल हमारा नाम जप होता है, बल्कि हमारी आँखें, हमारा मन उस नाम पर केंद्रित हो जाता है। फिर हम और क्या कर सकते हैं, तो जहाँ भी संभव हो तो हम अपने मोबाइल पर भगवान का नाम जप सतत लगा कर रख सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि अनेक जगह भगवान के नाम जप के ऑडियो मिल जाते हैं, तो ऐसा ही एक चैतन्यमय ऐप बनाया गया है, उसका नाम है सनातन चैतन्य वाणी। तो इस ऐप में भगवान के सात्विक नाम जप हैं, स्तोत्र हैं इत्यादि, भगवान से संबंधित उसमें ऑडियो हैं, तो आप ये ऑडियो भी लगा सकते हैं। और प्रयास है कि नाम जप करने में हमारा मन लगे, इसके लिए हम स्वसूचना दे सकते हैं। स्वसूचना के विषय में हमने पहले के सत्संगों में भी देखा था। यदि आप में से किसी को भी स्वसूचना बनाने के लिए मदद चाहिए, आपको लगता है कि आप बना रहे हैं तो वो योग्य है क्या, आपको जांच कर लेना है, तो आप हमें अवश्य संपर्क कीजिए। नाम जप अच्छा होने के लिए हम उपास देवता से प्रार्थना करें। हम कह सकते हैं, हे भगवान, मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो इसे तु आप ही मुझे नाम जप का निरंतर स्मरण करवाएं। मैं जो नाम जप करता हूँ वो आपके चरणों में पहुँचे, आप उसे स्वीकार करें। नाम जप के आनंद की मिठास को मैं अनुभव कर पाऊँ। आपके नाम के आनंद में मेरा मन सदैव मग्न रहे, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। अब हम एक छोटी सी अनुभूति सुनते हैं। सनातन की साधिका कुमारी महानंदा पाटिल जी ने प्रार्थना के संदर्भ में उनकी अनुभूति बताई है। वे कहती हैं कि 4 सितंबर 2002 के दिन मैं नाम जप के लिए बैठी थी, परंतु देवता से प्रार्थना करना भूल गई। 15 मिनट पश्चात ऐसे लगा जैसे मैं कुछ भूल रही हूँ, तो भान हुआ कि मैं तो नाम जप कर रही हूँ, परंतु नाम जप देवता तक पहुँच ही नहीं रहा है। देवता से प्रार्थना करने के उपरांत नाम जप गणेश भगवान तक पहुँचने लगा। तो यहाँ पर प्रार्थना का कितना महत्व है, यह हमें सीखने मिलता है। संत कबीरदास जी ईश्वर के प्रति अपने भाव को इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि इस तन को जलाकर स्याही बना लूं और जो कंकाल रह जाएगा उसकी लेखनी तैयार कर लूं, और प्रभु के प्रति प्रेम की चिट्ठी लिख लिख कर अपने प्यारे प्रभु
श्री राम तक भेजता रहूं। तो इस प्रकार उन्होंने अपने विरह को दर्शाया है। तो जब हम भी नाम जप करें तो इतने भाव से हमें करना चाहिए। हम भाव रख सकते हैं कि स्वयं ईश्वर ही हमारे सामने खड़े हैं, हम नाम रूपी जल से उनके चरण धो रहे हैं, प्रभु नाम का उन्हें तिलक लगा रहे हैं, हमारा एक एक नाम जप उनके चरणों में फूल बनकर पुष्प बनकर अर्पित हो रहा है। हमने हृदय के मन मंदिर में नाम जप की ज्योत जगाई है और नामस्मरण की ही हम आरती उतार रहे हैं। ऐसे हम भाव रख सकते हैं। नाम जप होने के पश्चात कृतज्ञता व्यक्त करना ना भूलें। कृतज्ञता हमें अवश्य करनी चाहिए। इससे नाम जप के प्रति, भगवान के प्रति हमारा भाव बढ़ने में सहायता होती है। नाम जप जितना भाव और लगन से करने के हम प्रतिदिन अपने प्रयास बढ़ाएंगे, उतना ही हमें अधिक आनंद मिलेगा। जैसे जैसे हमारा नाम जप गुणात्मक होता जाता है, अर्थात अच्छा होता जाता है, वैसे हमें नाम जप में रुचि बढ़ने लगती है। ईश्वर मेरे साथ हैं, उनके अस्तित्व की हमें अनुभूति भी आती है। साधना में शीघ्र उन्नति के लिए लगन और भाव में समन्वय होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अज्ञान के कारण हमें समझ नहीं आता कि भाव और लगन में समन्वय कैसे रखें। इसलिए साधना में जितनी शीघ्रता से प्रगति होती है, उसी प्रकार शीघ्रता से अधोगति भी हो सकती है। भाव और लगन में यथोचित समन्वय के लिए गुरु कृपा ही आवश्यक है। जब हमारे अंदर की लगन कार्यरत होती है, तब हम पर गुरुदेव की कृपा होती है और हमारा सात्विक भाव जागृत होता है, क्योंकि गुरु तो हमारी अंदर की तड़प ही देखते हैं कि हम भगवान के प्रति कितने समर्पित होना चाहते हैं। गुरु कृपा से जागृत हुआ भाव बना रहे, इसलिए साधना संबंधी प्रत्येक कृति हमें भावपूर्ण करनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। आज के सत्संग में हमने भगवान के प्रति लगन कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में देखा। भगवान तो सतत भक्तों की रक्षा ही करते रहते हैं। भगवान की कृपा हो तो कैसे असंभव चीज़ें भी संभव हो जाती हैं, उसके भी हमने प्रसंग देखे। परंतु भगवान के प्रति लगन बढ़ेगी कैसे, ये भी हम अब सीख रहे हैं। हमने संत कबीरदास जी के माध्यम से किसी में भाव कितना होता है, ईश्वर के प्रति लगन किस स्तर की होती है, वो समझ कर लेने का प्रयास किया। कल के सत्संग में हम नाम जप के प्रति तड़प और भाव कैसे बढ़े, इसके लिए कुछ और सूत्र देखेंगे। तब तक हम अधिक से अधिक जप करने का प्रयास करेंगे, और ऐसा करते समय आपको कुछ अड़चन आए अथवा आपको किसी प्रकार की अनुभूति हो रही हो तो आप हमें अवश्य लिखकर भेजिए। साधना में शंकाओं का समाधान करवाने से हमारी साधना अच्छी गति से चलती है। आज के सत्संग में हम यहीं रुकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी, स्थान देवता, वास्तु देवता, इनके पावन चरणों में हम कृतज्ञता रूपी प्रार्थना करेंगे। हे श्री कृष्ण, हे भगवान, आपकी ही कृपा से हम में लगन कैसे होनी चाहिए, यह आपने हमें सत्संग से सिखाया है। हे ईश्वर, आप जो हमें सिखा रहे हैं वो हमारी कृति में आए। आज आपने नाम जप अच्छा होने के लिए जो सूत्र बताए हैं, वो सूत्र हमारी कृति में आ सके, ऐसे आपके चरणों में प्रार्थना है। आज के सत्संग के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। तब तक नमस्कार।